अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। ए टीम, अ विनिंग टीम, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि 600 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, 4800 कनाल। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर 976 अपार्टमेंट्स होंगे। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर 1068 विलाज होंगे। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर हाई टेक ऑफिस होंगे, बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स होंगे, 18 होल गोल्फ कोर्स होगा, 5 स्टार रिजॉर्ट होटल होगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, और ये सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि आपको एक टाइटल डीड दे रही है कि आप अगर एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ख्वाब दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। इसके अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी कि अपना आईडी कार्ड भेजें, अपनी तस्वीर भेजें, हम ही आपके लिए फॉर्म फिल कर देते हैं और जमा करा देते हैं, जैसे मुतादद सोसाइटीज़ के अंदर आप देखते हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड। दे आर गोइंग टू सेंड यू द डॉक्यूमेंट नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड। यू विल साइन इट, सेंड देम बैक टू देम, और फिर आपका टाइटल डीड बनेगा उस प्रॉपर्टी का, आप उसकी किस्तें अदा करेंगे और अल्टीमेटली ओनरशिप आपके नाम पे आपको मिलेगी। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका बनाने वाला कौन है, क्या उसके जो ओनर्स हैं या उसके जो कंसल्टेंट्स हैं, क्या उन्होंने इससे पहले भी दुनिया में, इंटरनेशनली या लोकली, कुछ इससे पहले भी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ मेहनत की है। 18 हाउसिंग सोसाइटी के 3 पार्टनर्स या इनकी जॉइंट कोलैबोरेशन से 18 बन रहा है। ऑरा डेवलपर्स, सैफ ग्रुप, कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इससे पहले इनकी जॉइंट वेंचर ने हमें एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दिया है, जिसे हम मोबिलिंक के नाम से जानते हैं, मोबिलिंक पाकिस्तान के नाम से। एवरी हाउस होल्ड हैज़ दिस नंबर, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, इवन हमारा चैनल, उसके ऊपर आपको एक मोबिलिंक का नंबर नज़र आ रहा है और एक नंबर ऐसा जिस जो कि भारत का है, और भारत भी पाकिस्तान में मोबिलिंक ने एक्वायर किया है। तो इट मीन्स कि ये ग्रुप ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन सेलुलर नेटवर्क डिलीवर कर चुका है, और इट इज़ अ हाउस होल्ड नेम। और डेवलपर्स, और डेवलपर एक इजिप्शियन कंपनी है। इनकी वेबसाइट पर भी अगर आप देखें तो आपको उसके अंदर इनका प्रोजेक्ट यूके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ग्रीस के अंदर, ग्रेनेडा के अंदर और साइप्रस के अंदर नज़र आएगा। और इनकी वेबसाइट ये इस बात की ओपन अकासी कर रही है। यूके के अंदर इस कंपनी ने ग्रॉसवेनर स्क्वायर बनाया। ग्रॉसवेनर स्क्वायर के अंदर लोकेटेड है मैकडोनल्ड हाउस, उसके अंदर लोकेटेड है इटालियन एम्बेसी। मैकडोनल्ड हाउस पहले कनाडा की एम्बेसी हुआ करता था, फिर अब लोकेटेड है एम्बेसी ऑफ इटली, मैरियट होटल, रोजवुड होटल, द बिल्टमोर, मेफेयर होटल। एक और बात जानने की है कि मेफेयर जो कि सबसे एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट है लंदन में, सबसे एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपने मोनोपोली अपनी ज़िंदगी में खेला है तो उसके अंदर पार्क लेन और मेफेयर सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ग्रॉसवेनर स्क्वायर मेफेयर के अंदर लोकेटेड है। फिर साइप्रस के अंदर एक आया नापा मरीना, जिसके अंदर आमतौर पर यॉट्स और बोट्स खड़ी होती हैं, आप इसको नेट के ऊपर देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त एक्सेप्शनल डेवलपमेंट। फिर सिल्वर सैंड्स इन ग्रेनेडा, पिरामिड हिल्स, प्योर 88, नाइल सिटी टावर्स इजिप्ट के अंदर। तो बहुत कुछ और डेवलपर्स ने बनाया और पाकिस्तान के अंदर आपके लिए लेके आए हैं 18। सैफ ग्रुप, सैफ ग्रुप एक ऐसा नाम है कि जिसको ऑलमोस्ट हम तमाम लोग आमतौर पर जो अकाउंट्स की फील्ड से हैं, वो ज़रूर सैफ ग्रुप के अकाउंट स्टेटमेंट्स को या ईयरली स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो लेट 1960s में इस्टेब्लिश हुई। इनकी पोर्टफोलियो के अंदर टेक्सटाइल है सैफ टेक्सटाइल के नाम से, पावर जनरेशन करते हैं सैफ पावर के नाम से, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं सैफ एनर्जी के नाम से, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं ग्लोब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं सैफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और कुलसूम हॉस्पिटल जो कि लोकेटेड है ब्लू एरिया के अंदर, एक जिंदा नमूना है, एक एक्टिव नमूना है इनके इस सैफ ग्रुप के तगड़े डिलीवरी का। और उसके अलावा कोविड का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त काम कुलसूम हॉस्पिटल में होता है, तो बहुत सारे लोग
डेफिनेटली अल्लाह ना करे जो कि सीरियस होंगे कोविड में, उनको कुलसूम हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ मामला पता चला होगा. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ सैफ ग्रुप हैज़ डिलीवर्ड, एंड ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और डेफिनेटली 18 के अंदर ये भी एक पार्टनर है. फिर कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. अब कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आमतौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किया है. मरी रोड से अगर आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, मिडवे सेंट्रम एक मॉल है मेन मरी रोड के ऊपर, 6th रोड और मरी रोड पे इंटरसेक्शन के ऊपर ये लोकेटेड है. ये कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने बनाया है. रॉयल सन होटल लोकेटेड है टेक्सिला के अंदर, ये इस ग्रुप ने बनाया है. हमज़ा टावर्स लोकेटेड हैं F11 इस्लामाबाद के अंदर, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, ये इस ग्रुप ने बनाया है. और फिर जरकून हाइट्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, वो ये कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बना रहे हैं. और फिर आपके लिए लेकर आए हैं 18 एक ऐसी ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है कि जो कि हम सब अफोर्ड भी कर सकते हैं और हम सोच भी सकते हैं. बहुत सारे लोग कहें कि हम सोच नहीं सकते 18 के अंदर रहने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है. 18 के अंदर हर वो इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है कि जो आज की डेट से अपने आप को 3 साल आगे की सोच रखता है या 3 साल आगे का प्लान करता है. 2018 के अंदर DHA फेस 2 के अंदर 3.5 करोड़ रुपए का घर मिल जाता था एक कनाल का, वाइल 18 के अंदर 5.5 से 8 करोड़ रुपए वर्थ रखता था घर. वो तमाम लोग जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की कि चलो यार इंस्टॉलमेंट पे घर ले लेते हैं, 2021 या 22 की डिलीवरी हमें मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट पे एक कनाल का घर ले लेते हैं, चलो करंट कैश से एक्सपेंसिव ही सही, वो तमाम लोग आज ये देख लें कि आज DHA 2 में अगर आप कैश के ऊपर घर लें तो एवरेज घर 7 करोड़ रुपए का है. वहीं पहुंच गए, 18 में ले लेते उस टाइम पे तो तब भी यहां पे होते. आपने ले लिया DHA में, DHA का घर विद टाइम डिटेरियरेट भी होगा, उस तरीके की लिविंग भी होगी, बट 18 इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शनल लिविंग, एन एक्सेप्शनल मार्केट. सो ऑल दोज पीपल हु प्लान टू इन्वेस्ट इन 18, इतना मुश्किल नहीं है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 18 के अंदर आप रह सकते हैं, आपका घर बन सकता है. और फिर उसके फवायद क्या क्या है. मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, 18 के अंदर मैंने 10 मरले का ही सही घर ले लिया. अब मेरे नेबर्स के अंदर देर आर उस 1068 में से एक घर तो मेरे पास आ गया, तो अब 1067 वो इंडिविजुअल्स हैं कि जिनके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. मेरे नेबर्स ये देख रहे हैं दैट साथ यहाँ पे रहता है, आज 5 करोड़ रुपए का है, मोस्ट प्रॉब्ली कल 10 करोड़ रुपए का होगा, 10 करोड़ रुपए के घर के अंदर इसके साथ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो आई वुड हैव दैट काइंड ऑफ सुपर मार्केट या दैट काइंड ऑफ बायर्स विद मी या सेलर्स विद मी जो 18 के अंदर रहते हैं. या किसी भी बिजनेस से ले लें आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, 18 इज द प्लेस टू बी लिविंग इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बच्चों के अच्छे रिश्ते हो जाएं, हम 18 में रहते होंगे तो पीपल वुड से ओ फलाने लड़के के पेरेंट्स 18 में रहते हैं, दे ओन अ हाउस इन 18. ब्यूरोक्रेट्स के रिश्ते आ रहे हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी, एक्टर एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स, या द स्काई इज द लिमिट फॉर दैट काइंड ऑफ फ्यूचर. या फिर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड नेबरहुड, आप गोल्फ से मोहब्बत करते हैं, आप ओपन ग्रीनरी खुले आसमान तले रहना चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक एक्सेप्शनल किस्म की लिविंग हो, सो 18 इज दैट प्लेस. सो ऑल दोज पीपल हु प्लान टू इन्वेस्ट इन 18, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल, वी विल गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और फिर हम आपको एक बेहतरीन रेप या खुद से आपको बेहतरीन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. और 18 के अंदर आप अपना यूनिट, अपना घर, अपना कमर्शियल स्पेस ले सकेंगे, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग लाइफस्टाइल. सो जो भी 18 लेना चाहता है वो हमसे राबता कर सकता है. वीडियो का इख्तिताम है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक आवर कॉन्टेंट, और इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहें और कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस आमतौर पे कैसे लगती हैं. और अगर कोई भी टॉपिक आपके जहन के अंदर हो तो आप बताएं, हम उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि कवर करें पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट से रिलेटेड.
अस्सलाम वालेकुम।